नमस्कार जी, नमस्ते सिद्धू बाजी, वेलकम टू द कपिल शर्मा शो। सिद्धू बाजी, हाँ जी, आपको तो पता है पिछले 10 सालों से हमारी बम्पर की शादी नहीं हो रही। एक मिनट फोटो दिखाती हूँ, ये देखो बाजी। बाजी कहाँ से इसकी शादी हो, इतना बड़ा मुँह बाजी, इतना तो दरियाई घोड़े का नहीं बड़ा होता मुँह। मैंने एक लड़के से रिश्ता भी बुक किया था, मैंने कहा बाजी ये देखो फोटो देखिए लड़के की। पाजी लड़के को इतना गुस्सा आया, उसने अपना भाई मुझे फेंक के मारा पता। खैर कोई बात नहीं, जो मर्जी को पाजी, है तो लड़की ना। कहते भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, मुंडा मिल गया जे। अच्छा पाजी देखना सही कैसा रिश्ता करवाया बबली ने। बुलाती हूँ इसको, पागल ही हो जाएगी सुन के। बम्पर बम्पर, मैंने कितनी बार कहा ऐसे भाग के मत आया कर, ऐसे लगता है ट्रक पागल हो गया है। ये देखिए लॉरी को ट्रक की कितनी चिंता हो रही है। वैसे तेरे को एक बात बताऊं, तेरे लिए खुशखबरी है। क्या बर्गर सस्ते हो गए? पागल ही है, बर्गर महंगे हो या सस्ते तुझे क्या फर्क पड़ता है। सिद्धू बाजी एक बार बर्गर वाली दुकान के जाके कहती कि भैया अगर मैं आपका बर्गर खा लूं और पैसे ना दूं तो क्या होता है, तो भैया कहता 10 मुक्के पड़ते हैं। अच्छा अगर एक्स्ट्रा चीज वाला खाऊं तो फिर मुक्के ही लाते। क्यूटी भाई क्या कर सकते हैं सिद्धू जी, आप ही बताइए, महंगाई इतनी बढ़ गई है। पता है मेरे दादाजी के टाइम पे 1 मुक्के में 2 बर्गर और एक कोल्ड ड्रिंक साथ में मिल जाती थी, उसमें भी थोड़ा सा मुक्का बच जाता था। वैसे आप ये बताइए ना खुशखबरी क्या है? खुशखबरी ये है बम्पर की मैंने तेरी शादी के लिए एक लड़का ढूंढा है। आपको पता भी है मुझे कैसा लड़का चाहिए? देखो बम्पर जैसी तुम्हारी शक्ल है ना, तुम्हें जिंदा लड़का मिल जाए इतना ही बहुत है। लेकिन बात कहूँ जो लड़का मैंने ढूंढा है ना, उनकी 2 ही शर्तें हैं। एक तो लड़की संस्कारी घर से होनी चाहिए और दूसरा लड़की के घर वाले अमीर होने चाहिए। अमीर संस्कारी घर की तो मैं हूँ, लेकिन अमीर आए पाजी वाकई बड़े गरीब है। आपको पता है अगर दरवाजे पे ये और गाय एक साथ खड़े हो ना तो सबसे पहले रोटी इसको देते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने कप्पू और चंदू से भी बात कर ली, वो भी तेरी हेल्प कर रहे हैं। बस तू लड़के वालों के सामने एकदम अमीरों वाली हरकतें करना। ओ उसका तो आप टेंशन ही मत लो, मैं एकदम कमाल की अमीर बन जाऊंगी। जैसे कि अपने ये 10, 20, 50, 100, 500 के नोटों को तो मैं पहचानूंगी ही नहीं, और 2000 के नोट को तो मैं वैसे भी नहीं पहचानती, मैंने देखा ही नहीं ना कभी। ओ सो क्यूट बाजी, जा बेबी जाके अच्छी तरह से तैयार हो, लड़के वाले आने वाले हैं। वैसे आपके पास ये कोई XXL वाली साड़ियाँ होंगी क्या? मेरी सारी साड़ियाँ ना एकदम टाइट हो गई हैं मौसी। अच्छा साड़ियाँ टाइट नहीं होती, ब्लाउज टाइट होते हैं पागल। चल जा यहाँ से तैयार हो। आप औरत हैं आपको ज्यादा पता होगा। I'm a girl, I'm a girl, girl. चलो 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 चलो। अमीर लग रहे हैं हम। मैंने आपको अमीर बनने के कहा था, पप्पी डरी नहीं ना। इसने तो अमीर भी नहीं पहनते गहने जिन्हें आप गरीबों ने पहने। थोड़े कम करो भी, अच्छे नहीं करने नकलियां। फिर क्या हुआ, है तो सोना के नहीं तो हमारे घर में सोने के नाम पे तो सिर्फ कराटे ही होते हैं। मेरी बात सुन, अपना मुंह मत खोलना ज्यादा लड़के वालों के सामने। क्यों, अंदर बिल्ली बच्चे दे जाती है। तो बेवकूफ आदमी, उनको पता चल जाएगा इतना सोना नकली जितनी माँ नकली है। और ज्यादा हिलना जुलना नहीं है ना, और माँ बिखर जाए उधर। 1 मिनट चंदू बात सुनो, जैसा मैंने समझाया था ना बिल्कुल वैसा ही करना, मतलब तो अमीरी वाली फीलिंग आनी चाहिए। ठीक है पक्का? पक्का। 1 मिनट फिर। ओ इतना मोटा नोट, नोटों की गड्ढी कहते हैं इसको। रिश्ता होने के बाद दे देती, इतनी क्या जल्दी थी, आपको विश्वास है? मैं भी बड़ी चंटू बाद में ही दूंगी। एक्चुअली ये गड्ढी है ना, ये अमीरी शो करने के लिए, इसका ऊपर का और नीचे का नोट असली है, बाकी सब भारतीय चूरण बैंक वाले हैं। और हाँ कप्पू, हाँ? ये लो चेक बुक, बात बात में चेक फाड़ के उड़ाते रहना। मैंने कहा देखो अमीरी शो हो थोड़ी। आ गए लड़के वाले। कहाँ? कार के नीचे कार में बैठ के आए हैं। अच्छा अच्छा। के बैठा हुआ है, इतना नाच रहे हो। ये चेक स्वागत करो भी लड़के वालों का। एक मिनट भाई साहब, ये चेक क्यों आप फाड़ फाड़ के लुटा रहे हैं? अब 5-7 लाख कैश कौन लुटाए? हमारे यहाँ सारा काम वाइट में होता है, आप यकीन नहीं करेंगे। हमारे यहाँ ब्लैक शर्ट भी वाइट होती है। आपको आने में कोई तकलीफ वगैरह तो नहीं हुई ना? जी ना, हम कौन सा बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं। अच्छा, ऊपर से गाड़ी में बैठे इधर आके पहुंच गए। अच्छा अच्छा अच्छा। वैसे आपकी तारीफ, ये लड़की के करोड़पति मम्मी पापा। हाँ जी मम्मी पापा, वाह वाह, सच में लग रहे जी। हाँ जी, इतने गहने तो जोधपुर की महारानी नहीं पहनती जितने आप पहन के घूम रही है। अभी तो ये जल्दी जल्दी में तैयार हुई है, इसलिए सिर्फ गले और हाथ में पहने, नहीं तो प्रॉपर तैयार होती है ना। जुबान पे भी ऐसे कंगन पहन के आती है। अच्छा, और फिर इससे बोला नहीं जाता, रू 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 करती। मैंने खुद ही मना किया। हाँ जी, हमारे पास तो सोना ही इतना, लोग तो प्यार से मुझे सोन पापड़ी भी कहते हैं। पैसा तो इतना है, मैंने कल छींक मारी, 2 हीरे निकले, आप बिलीव नहीं करेंगे। अच्छा? हाँ जी, 4 तो अभी भी फंसे पड़े नाक में। हाँ जी, वो जिस दिन जुकाम होगा निकल आएंगे। अच्छा, हम लोगों की फैमिली में थोड़ा मजाक करने की आदत है। अच्छा अच्छा, लड़का आपका नजर नहीं आ रहा। तो मेरे साथ ये स्कूटर खड़ा है, ये लड़का ही है। अच्छा 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 अच्छा, बड़ा दुबला पतला है। अब ऐसे ये लड़का और सुई अगर जमीन पे गिर जाए तो पहले तो सुई मिलती होगी। बेटा, बेइज्जती होने से पहले नमस्ते कर लिया करो। नमस्ते करो बेटा। जी नमस्ते भाभी ना किया करो बेटा, लेकिन नाश्ता कर लिया करो। बहुत ज्यादा। अच्छा, इधर आके बैठो, भी मेहमान है। आइए आइए आइए, बैठ मेरा भतीजा, बैठ। अच्छा बेटा, क्या लोगे, चाय, कॉफी या चवनप्राश? चवनप्राश जो आप चीज आपने नहीं खिलाई, हम तो वही पूछेंगे ना। फिर नहीं खिलाया इसको, पर इसके बदन को लगता ही नहीं है। देखो, खड़ा होकर दिखा बेटा जरा, ये देखो। हाँ। कमर कितनी पतली लेके घूम रहा है। तो ये जो नीचे पजामी पहनी हुई है, इसका नाड़ा वगैरह जो टेप से चिपकाई है आपने। तो बताओ जी, क्या लोगे, गरम के ठंडा? मैं तो ठंडा लूंगा जी, मतलब चाय है ना। मैंने ठंडा कहा बहन जी। हाँ, तो आते आते ठंडा हो जाएगा ना। देखिए, हमारे यहाँ जो भी चीज आती है ना, वो वहीं से आती है जहाँ की स्पेशलिटी होती है। अच्छा, जैसे चाय हम मंगाते हैं आसाम से। अच्छा अच्छा, तो असम से यहाँ की डायरेक्ट फ्लाइट कोई है नहीं, वाया दिल्ली है, तो फिर आते आते ठंडी हो जाती है। अच्छा, मैं आपको नमस्ते करना भूल ही गया। अच्छा, अगर आपको गर्म पीने तो फिर दिल्ली चल पड़ते हैं, क्योंकि हमारे तो इधर वही चीज मिलती है जहाँ की मशहूर हो। हाँ जी, एक बात बताओ बाजी, मम्मी जी का इतना मन किया जलेबी खाने का, बाजी इतना मन किया। तो फिर ये कहाँ से मंगाई आपने? ये पीछे छेदी रामल भाई से, वहाँ की फिर काफी मशहूर होगी जलेबी। नहीं देखो, जलेबी कहीं से भी मंगा लो, कोई फायदा नहीं, आनी टेढ़ी मेढ़ी होती है। तो जलेबी लेडीज की तरफ बैठ। हाँ जी, अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसे कौन लेडीज बैठती है। बात तो बाकी सही है। बेटा तुम क्या लोगे? बस ये सांस लेता रहे, बहुत है। बेटा जी, क्या लोगे, चाय या ठंडा? जी ऋतिक चाय ले लेगा। ऋतिक भी आपके साथ आया, आपने बताया ना मेरे को। ऋतिक कहाँ है भाई? कहाँ है ऋतिक? अरे आपके दामाद का नाम ऋतिक है? हाय हाय हाय, इसका नाम ऋतिक रख दिया आपने? हाँ जी हाँ जी, इसको बचपन में डांस का बड़ा शौक था, तो फिर मैंने इसका नाम ऋतिक रख दिया। तूने गलत रख दिया, इसका नाम ऋतिक नहीं, टूथपिक रख, टूथपिक। एक बात बताइए, अगर इसको मार धाड़ का शौक होता तो आपका इसका नाम सनी देओल रख देते? नहीं, फिर 250 ग्राम का सनी देओल अच्छा थोड़ी लग रहा था। वैसे दामाद जी जब से आना चुप ही बैठे हैं। बेटे कुछ बोलो। ऐसा ये बड़ा शर्मीला है, ये तो नहाता भी कपड़े पहन के पूरे। शर्मीला ने फिर आलसी हो गया ना। बेटे एक बात बताऊं, जब भी नहाना है शावर को ज्यादा तेज नहीं चलाना, ऐसे छाती पे पड़ेगा ना तो ऐसे दिमाग टकरा सकता है दीवार पे। लेडीज की तरफ बैठकर कम। वैसे मजाक अच्छा कर लेते हैं आप। बस जी, मेन काम यही है जी हमारा। आप वैसे क्या काम करते हैं भाई साहब? अपने बहुत नहीं, अपनी 20-25 दुकानें हैं। दुकानों में कुछ तो होगा? दुकानों में स्वीट्स हैं, और हमारे 15-20 कपड़े के शोरूम है, 25 जिम है हमारे। अच्छा, oh my God, भाजी जिम वाली बात ऋतिक को पता है? हाँ जी हाँ जी, बताया हुआ हमने। तो भेजा करो। मैं गया था एक बार, बेचारा इसको जिम से चिड़ हो गई है। ये मेरा भतीजा जैसे वहाँ पहुंचा, एक बंदे ने इसको रॉड समझ के 3 सेट लगा लिए बेंच प्रेस के। अच्छा 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 वो तो थका नहीं है, ये बेचारा तब से थका थका घूम रहा है। अच्छा 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 देखो जी, आप लोग बातें करो, मैं खाने पीने का इंतजाम करती हूँ। अरे खाना पीना तो बाद में भी आता रहेगा, पहले अगर आप लड़की चखा देते तो मेरा मतलब लड़की दिखा देते तो मजा आ जाता। आप तो कह रहे थे लड़का शर्मिंदा बड़ा है, शर्मिंदा इतनी। अरे चाचू लड़की दिखा दो इसको पहले, ये शर्मिंदा इतने जल्दी तो लड़की की डिमांड विलन नहीं करता फिल्म में, लड़की दिखा दो। मैंने देखिए ये पहली बार शादी कर रहा ना, इसलिए तो हमारी बेटी हर वीकेंड पे शादी करती है। बेटा बैठ, सबर कर, आएगी लड़की, आएगी। मैं लड़की को लेके आती हूँ। इसकी एक आधी चीज कम कर दो, संभाली जा नहीं रही इससे सारी। तो आपके रिस्पेक्टेड पिताजी का क्या जा रहा है? हमारी वाइफ है। मैं लड़की लेके आती हूँ, तैयार हो रही है लड़की। देखो बाजी तूत भी खुश हो गया। वैसे आपका क्या बिजनेस है? एक्चुअली मैं आपको क्या बताऊं, मैं जैसे पेट्रोल पंप पे जाते हैं ना हम लोग, हाँ जी तो उनसे पेट्रोल डलवाया, पैसे दिए, वो लेते नहीं, कहते आपसे क्या पैसे लेने, पेट्रोल पंप आप ही का है। अच्छा किसी होटल में जाए, अच्छा चेकआउट करें, पैसे दें, लेते नहीं, कहते आपसे क्या पैसे लेने, होटल आप ही का है। कल तो हद हो गई, एक भिखारी मिला, मैंने 100 रुपया दिया उसको, कहता आपसे क्या लेने, आप ही का भिखारी हूँ। बहुत ज्यादा एक्चुअली ना मेन बिजनेस जो हमारा ना वो प्रॉपर्टी का है। अच्छा हाँ जी, हम सेकंड हैंड देश खरीदते हैं। देश? हाँ जी, खरीदते बेचते रहते हैं। देश में समझा नहीं, मेरे को तो बता दिया अगर कौन सा झूठ बोलने वाला। देखिए मैं भी नहीं समझा ये बिजनेस हमने कब शुरू किया। वो लास्ट वीक आपको इंग्लैंड वालों ने वीजे के लिए नो बोल दिया था ना। हाँ जी तो फिर वो आपने गुस्से में शुरू कर लिया था बिजनेस। अच्छा हाँ, वो हमने अभी पिछले हफ्ते ही ना एक कनाडा बेच के 2 इंग्लैंड लिए हैं। पैसा बहुत है, क्या करें, लेकिन इंग्लैंड तो एक ही है ना। इंग्लैंड एक ही है। हाँ जी तो हमने पहले खरीदा, अच्छा है, फिर उसके 2 टुकड़े किए, इंग अलग किया, लैंड अलग किया हमने। वो क्यों, किस खुशी में आपने इंग्लैंड अलग अलग कर दिया? वो गुस्से में किया मैंने। किस बात का गुस्सा? इन्होंने हमारे देश के 2 टुकड़े किए थे। अच्छा मैंने भी कर दिए। अजी मैं तो कहती हूँ भारत माता की जय बोलो, भारत माता की, भारत माता की। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ ये देश खरीदने का जो बिजनेस है जी इसमें बहुत लॉस है। अच्छा, बहुत ज्यादा, इतना लॉस है मेरे 2 श्रीलंका और एक सेमी फर्निश्ड न्यूजीलैंड जो है खाली पड़ा हुआ है। मैंने लेकिन सोचा मैंने शादी के बाद दामाद को गिफ्ट दे देना। अच्छा ये सेमी फर्निश्ड वाले में बेड है? ये शर्मिला है, इसको मैं इधर ही गद्दा लगवा दूँ इसको। क्या है ये हेलीकॉप्टर की आवाज? हाँ जी, नौकर दही लेने गया होगा ना। आपका दही हेलीकॉप्टर में आता है? मेरे को तो बता दिया कर कौन कौन सी जगह पे जा रहा है, किस चीज पे चढ़ के जा रहा है। नहीं बताइए आपका दही हेलीकॉप्टर से आता है? दूध दही जो है पंजाब हरियाणा से मंगवाते हैं हम लोग। अच्छा और अगर लस्सी पीने का दिल कर जाए तो हेलीकॉप्टर वाले को बोल दे, लस्सी बन जाती है, उसके हम पी लेते हैं। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। गेस्ट आए हैं? नहीं गेस्ट नहीं, ये हमारा नौकर है। हाँ जी। आपके नौकर ऐसे कपड़े पहनते? ये तो कुछ भी नहीं, आज गंदे कपड़े पहने इसने। मैं तो कहता हूँ जब मुकुट पहनता है ना तो बेटी से ज्यादा रिश्ते इसको आते हैं। पहली बात तो तू कहता नहीं, तू कहती है। सर ये 5 करोड़ कैश अपने ऑयल बिजनेस से कहाँ रखूँ सर? ऑयल बिजनेस कब शुरू किया हमने? सर ये पिछले महीने। आपके तेल के कुएं भी हैं? एक्चुअली ना हमारे इंडिया में जितने भी बीचेस है ना, हाँ जी, और बीचेस के बीचों हमारे टेल्समैन रहते हैं। टेल्समैन मतलब? वो जो ऑयल का बिजनेस है, मतलब मसाज वगैरह, स्पा वगैरह करते हैं। अच्छा तो ये 2 घंटे की सेल होगी मेरे ख्याल से, सिर्फ 5 करोड़ रुपया। जी सर। इसको गुल्लक में डाल दो। सर गुल्लक ऑलरेडी 200 करोड़ से भर चुका है सर। ओहो, तो खिड़की से बाहर फेंक दो। जी 5 करोड़ रुपया खिड़की से बाहर फेंक देंगे? ऐसे कैसे? बाहर हमारा मैनेजर खड़ा है, वो लेके तिजोरी में डाल देगा। 5-10 हज़ार करोड़ की बात, इसकी टेंशन न लें आप, रिश्ते की बात करें आप। अच्छा एक्सक्यूज मी सर, मिस्टर ट्रम्प लाइन पे हैं। आ गया लाइन पे? जी। काट दो फोन, मुझे लाइन पे लाना था इसको। सर मैं कैश ठिकवा के आता हूँ सर, खिड़की से ठिकवा दीजिए। थैंक यू सर। अरे आज मिलेंगे लॉरेल हार्डी। बहु आगे। आओ जी, हमारी बेटी आ गई है। अरे बहू आओ आओ आओ, बैठो बहू। नहीं नहीं, इसको रहने दो, बैठ जाती है, खड़े होने में बड़ा टाइम लगता है। बैठो, खड़ी रहो बेटा। हाँ जी बेटी, चाय दो इनको। नहीं आप लीजिए ना, चाय लीजिए, सोने की बिस्किट लीजिए। चाय के साथ सोने की बिस्किट? हाँ जी, सोना पड़ा पड़ा खराब ना हो जाए, इसलिए हमने बिस्किट बनवा लिए। बेटे ये ऋतिक है तुम्हारा, बेटर हाफ। पर ये तो सिर्फ हाफ है बेटे, यही बेटर है। बम्पर, माय बेटी। बम्पर कुछ अजीब नहीं है नाम? ये ऋतिक हो सकता है, ये बम्पर नहीं हो सकती। चाचू लड़की थोड़ी सी मोटी है। देखिए दामाजी, आप ना बड़ा करीब से देख रहे हैं, आप थोड़ा दूर चले जाइए। आप 1-1.5 किलोमीटर दूर से देखिए, बहुत सुंदर लगती है, पटाखा लगती है, मैं कह रहा हूँ आपको। ये ऐसा होता है। और वैसे भी शादी के बाद देखिए मियाँ बीवी में इतनी नजदीकियाँ रहती नहीं है, दूर दूर से देखते हैं सब, दूर से बहुत अच्छी लगती है, मेरा विश्वास करें। अच्छा वैसे ऋतिक बेटे, आपको हमारी बेटी कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं 2-4 घंटे के लिए इनसे अकेले में मिल सकता हूँ? देखिए मेरी बात सुनो, ये अकेले में मिलने वाली बात कोई नहीं करने देनी हमने। अकेले में तूने मिल लिया उसको, तुम बाद में मुकर गए तो फिर देखो, ऐसी चीजें मैंने बहुत की हैं। मैं भी शादी से पहले इसको अकेले में मिला था 2 मिनट, मेरे को अच्छी नहीं लगी, इसने मेरे पे इल्जाम लगाया, मुझे शादी करनी पड़ी। और क्या नहीं तो हमारी लड़की इतनी शरीफ है, हम नहीं भेजेंगे भी लड़के को। हाँ। अकेले में लड़का लड़की, हटो ना पीछे। अरे मैं कौन सा छेड़ रहा हूँ बेटा, तुमने छेड़ा ना, इसने कहीं छेड़ दिया तो बहुत नॉटी है। एक बात बताइए, आपकी क्या क्या हॉबीज है? हॉबीज खाते खाते गाना सुनना, खाते खाते फिल्में देखना, खाते खाते जॉगिंग करना, और फिर खा पी के सो जाना। देखिए हमने आपकी खुराक नहीं पूछी है, आपकी हॉबी पूछी है। ये पहले की बातें थी जो तब खाती थी, अब नहीं इतना खाती। अब तो इसको अच्छा हस्बैंड मिल जाए, उसके लिए तो इसने 16 घंटों का व्रत भी रखा हुआ है। देखिए जी, अच्छा हस्बैंड 16 सोमवार का व्रत रखने के बाद मिलता है। 16 घंटे का रखा ना, तभी तो ऐसे रिश्ते आ रहे हैं ना। अच्छा बेटा, आपको और कुछ पूछना है हमारी बेटी से? एक बात बताइए, आप शादी के बाद हनीमून पे कहाँ जाना पसंद करोगी? हनीमून शादी के बाद भी होता है? देखिए उनको बताइए, हनीमून शादी के बाद ही होता है। पहले तेरी माँ के साथ ना मैं जाऊँ हनीमून पे, ऐसी बातें कौन पूछता है? पहली शादी है। हाँ। कैसे हमारी भोली लड़की से सवाल पूछ रहा पाजी, तो इतनी भोली है ना कि इसको तो पता ही नहीं था कि सनी लियोनी और सनी देओल भाई बहन नहीं है। उनको ही समझती रही है ना, इतनी भोली लड़की। नहीं नहीं, वो तो है, ठीक है भोली है, बैठ जाओ इधर। हमें लड़की पसंद है, क्यों बेटा ऋतिक? हाँ पसंद तो है, लेकिन एक आखिरी सवाल। क्यों, इसके बाद तुम्हें फांसी होने वाली? भगवान तुम्हें लंबी उम्र है। सवाल पूछते रहो, क्या पूछना है बताओ। आपको खाना बनाना आता है? वो तो बनाना सीख लेगी, बस तुम प्रॉमिस करो कि तुम खाना खाना सीख लोगे। ऐसी बात नहीं है, बहुत डाइट है इसकी। अच्छा जी। कभी कभी तो पूरा एक पराठा खा जाता है। हाँ जी हाँ जी, मैं बता रहा हूँ आपको। ऋतिक और कोई सवाल करना चाहते तो कर लो। और सवाल तो नहीं है, लेकिन फरमाइश है। क्या बेटे, बोलो क्या चाहिए तुम्हें, बताओ क्या चाहिए तुम्हें, बताओ। मैं इनको नृत्य करते हुए देखना चाहता हूँ। वो मैं लगी हुई है, ये हटेगा नहीं। ये कैसी बातें पूछ रहा है ये? पाओ, मैं तो कहती हूँ लटाओ इसको यहाँ पे। देखिए देखिए, इन्होंने आपस में शादी करके रहना, अगर उसकी फरमाइश की तमन्ना है तो अगर वो पूरी कर सकते तो कर दे। नहीं वो डांस करती नहीं, बहुत बेटा कर लेते, बेटा कर लेते। आता मुझे डांस आता ही नहीं है। नहीं बेटा, मैंने प्लीज आता ही नहीं है, नहीं प्लीज आता ही नहीं है। चलो बेटे मैं कह रहा हूँ पापा के कहने पे थोड़ा सा। चलिए ठीक है, थोड़ा संगीत लगा दीजिए। बड़ी शर्माती है, इतना सा डांस आया। देखिए देखिए, मुझे बिल्कुल ये रिश्ता पसंद है। ये लीजिए मेरी तरफ से 2 करोड़ की सोने की। हाँ जी हाँ जी, पढ़ लो। 2 करोड़ की रिंग मेरे ऐसी है। दिखाइए 2 करोड़ की रिंग किसे कहाँ पहनते हैं? उंगली में पहनते हैं। मजाक कर रही है, कभी इसने सस्ती पहनी नहीं ना, हमेशा 100 करोड़ की 200 करोड़ की इतने की पहनती है ये। बेटे पहन लो पहन लो, 2 करोड़ की भी पहनों की कोई एलर्जी नहीं होती, मैंने बचपन में पहनी थी, पहन लो। अरे कपिल शर्मा, कपिल शर्मा कौन है? अरे चंदू चाय वाला कहाँ रहा? अरे हम कब से फोन पे फोन किए जा रहे हैं, आप फोन का है नहीं उठा रहे हो हमरा भाई। इसका 3 फोन तो हमने उठा लिए थे, इसने नया ले लिया। कौन हो जी आप? अरे हम दूध वाला है भाई, अरे हमरा 5 महीने का दूध का बिल बाकी है, कपिल शर्मा से दूध लेने आए हैं। एक बात बताओ, ये तुम हम करोड़पतियों के रिश्ते को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? करोड़पति? कौन करोड़पति भाई? हम करोड़पति, अमिताभ बच्चन करोड़पति, कौन बनेगा करोड़पति? अरे हमारा 5 महीने का दूध का बिल बाकी है, हुआ हमको दे दो भाई। हम देखिए इसको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ऐसा ही है। 4 महीने पहले भी आया था, कह रहा था मेरे 4 महीने से पैसे नहीं आए। अब देखना 9 महीने बाद फिर आएगा, फिर देखना फिर क्या होगा। फिर कुछ नहीं, पैसे ही मांगेगा, इसके बेबी थोड़ी होगा। अरे मांगता रहता है ये। अरे हमको कुछ नहीं पता, हमको पैसा दे दो हमारा भाई। इधर आओ, कितने पैसे हैं तुम्हारे दूध के यार? अरे हमारा पूरा 6000 रुपए बाकी। रखो यार। अरे ये तो बहुत महंगा होगा, तो अपना 6000 काट के जो बाकी का बैलेंस है वो मेरे को दे दो। लेकिन हमारे पास इतना ज्यादा पैसा तो नहीं है। कितना है? ये कुछ 10-12 हजार रुपया। हाँ, तो बहुत है, 10-12 हजार बहुत होता है। ठीक है, धन्यवाद। मुझे लगता है कि हमारा रिश्ता सही घर में जुड़ रहा है। इतना बड़ा दिल है आपका, आपने एक दूध वाले को सोने की इतनी बड़ी चैन दे दी। बस जी, सोसाइटी की इज्जत के लिए करना पड़ता है। अच्छा। कपिल शर्मा टाइप लोग तो फिर भी ठीक है, इधर चाय वाय वाले उधार ले लेते हैं लोगों से और फिर पैसे नहीं देते, और कमबख्तों की वजह से सोसाइटी बदनाम होती है, फिर हमें देने पड़ते हैं। चाय वाले ऐसे करते हैं, आप उनको निकाल क्यों नहीं देते? किसी और ठाकुर टाइप के बंदे को रख लो। उसका टेस्ट हो रहा है आज, हम देखेंगे कितनी लाइनें उसकी फूटी, फिर उसके हिसाब से देखेंगे। सोने की चैन मैन क्या है जी, बस दिल बड़ा होना चाहिए। ये लो आप भी रख लो, इसमें क्या है। नहीं नहीं भाई, रिश्ते पक्के हैं हमारे। मैं कहता हूँ ना नहीं करनी, मेरे को बिल्कुल ना नहीं करनी। आप ये भी रख लो, मैं कह रहा हूँ रखो। आप पकड़ो ना जरा, मेरी प्रॉब्लम ठीक कर। ये लो भाभी जी, आप क्यों ऐसे कर रहे हो? कंगन भी ले लो। अरे भाभी जी रहने दीजिए। नहीं नहीं पहनो, क्या हुआ? अरे कहाँ है फ्रॉड लोग, सारे के सारा झूठा अमीर पना घूमते हैं रे। अरे नकली चेन हमको दे दिया, हम दुकान में बेचने गए तो दुकान वाले ने हमको 30 रुपया और 300 प्रकार का गाली दिया रे। तो ऐसे आदमी के पास जाते क्यों जिसको सिर्फ 300 प्रकार की गालियाँ आती? अमीर लोग हैं, मेरे दोस्तों 50-50 हजार गालियाँ आती। अरे हमको कुछ नहीं पता, हमको तो लगता है जैसा ये चेन नकली है ना, वैसा हमको लगता है कि तुम लोग भी नकली हो। हैं? अरे हाँ, चाचू हाँ। लड़की को भी चेक कर लो, कहीं लड़का तो नहीं है। अगर मेरी बेटी को किधर जा रही है? एक मिनट क्या हुआ? मम्मी के अंदर से पापा निकला, क्या हुआ? मेरी बात सुनो, तुम्हारे अंदर से कुछ निकलने वाला तो नहीं है? मेरी बात सुनो पहले। मेरी वाइफ का हेयर फॉल होता है, आज ग्रुप में हो गया थोड़ा सा, तो वो उसमें क्या है? इधर तो बैठो, मेरी बात सुना पहले, बैठ जाओ। मुझे शक है आपके अंदर से भी कुछ निकले ना। अब देखो, मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे जी, मेरे अंदर से पापा निकलेगा, लेकिन रिश्ता पक्का है। नहीं, रिश्ता कैंसिल है। मेरी 2 करोड़ की अंगूठी वापस करो, चलो जल्दी। चलो, अंगूठी खा गई, सवेरे निकलेगी। ये तो लेडीज है, इसको कुछ कह नहीं सकते। आपने रिश्ता, आप भी लेडीज हैं, ये भी लेडीज हैं, लेडीज बनी हुई हैं। इधर आ जाओ तो बचे आप। अब मार सबके हिस्से की आप खाएंगे। हाँ। देखिए, यहाँ तो रिंग दीजिए, नहीं तो मार खाइए। मिलेगी बाजी, रिंग आपको मिल जाएगी, आप सुबह तक वेट कीजिए, रिंग देगी वो। बेटे तुम मेरी बात सुनो। भाई साहब, मुझे आपकी बात सुन के बहुत अच्छा लगा, आपके विचार बड़े अच्छे लगे कि आप लेडीज पे हाथ नहीं उठाते। मैं आपको एक बात बताऊँ? हाँ जी। मैं भी 2 हफ्ते पहले जेंट्स बना हूं, मैं भी लेडीज हूं। मैं आपको नहीं यकीन, मेरा मैं आई कार्ड ला के दिखाता हूँ, उसमें मेरा नाम देख लीजिए, ज्योति बाला मेरा नाम है। और वैसे भी इन्होंने कहा था रिश्ता करवाना है, तो आप इधर आ जाओ बेटा। पता क्या है, मैं भागना भागना भी होता है। हमारा 6000 रुपया कौन देगा? इधर इधर आइए तो सही। अच्छा, मैं आपको एक और चीज बताना भूल गया। बताइए बताइए। हेलीकॉप्टर हमारा उधर आ गया है, चलो मैं निकलो। देखो क्या, आप सबको फ्रेंडशिप डे की बहुत सारी बधाई। आज फ्रेंडशिप डे पे हमारे जो मेहमान हैं वो एक ऐसी जोड़ी है जिन्होंने म्यूजिक के फील्ड में बहुत ही मजेदार काम किया है। वेस्टर्न, क्लासिकल और फ्यूजन के दो ऐसे धुरंधरों को मैं यहाँ इन्वाइट करने जा रहा हूँ। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए माय फेवरेट मिस्टर हरिहरन एंड लेस्ली लुईस। जबरदस्त फ्यूजन है हरिहरन सर, लेस्ली सर, आपका फ्यूजन तो यहीं से शुरू हो जाता है। जैसे हरिहरन सर आपका नाम बड़ा भजन टाइप है, हरिहरन सर, ऐसा लगता है कि हम प्रभु को याद कर रहे हैं। और लेस्ली सर का बड़ा पॉप स्टाइल। तो सर आप बड़े मल्टी टैलेंटेड हैं, मतलब ऐसे मुझे ना आपके लुक्स और साइड लॉक देख ला था, विलन भी बड़े अच्छे बन सकते थे। फिर कमाल है सर। सर ये कॉलोनियल कजन्स एल्बम का ख्याल कैसे आया था? कॉलोनियल कजन्स का इसलिए नाम रखा क्योंकि इट इज जो भी कंट्रीज कॉलोनाइज्ड है ना जी वर्ल्ड में, वहाँ पे फ्यूजन म्यूजिक बहुत खाना और म्यूजिक जी उसका फ्यूजन होता है। सो इट इज समथिंग पॉजिटिव विद द कॉलोनी गिवर्स। बहुत ही खूबसूरत एल्बम है सर। आइए सर आपका बहुत स्वागत है। मैं आपको पहले इंट्रोड्यूस करा दूं, ये मिस्टर स्टीफन है, ये ही इज द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन। इनके लिए भी जोरदार तालियां। सर एक बात बताइए, जैसे म्यूजिक इंडस्ट्री में जोड़ियां बहुत होती हैं जी, ऐसे दो लोगों में म्यूजिक बनाने में क्या फायदा होता है? जैसे पेमेंट ज्यादा मिल जाता है कि बोल देते हैं कि हम दो लोग हैं देख लो भाई? ऐसे पेमेंट कम मिलता है, दो लोगों को डिवाइड होता है ना। सर आपके कपड़ों को देख के तो लगता है बहुत ज्यादा पेमेंट मिलता है आपको। ये तो ये जो लेस्ली सर आपने जिंगल्स काफी बनाए ना एड फिल्म्स के लिए जी? मैं छोड़ दिया अब जिंगल, अभी नहीं करते सर। करता हूँ लेकिन जब उनके पास बजट रहता है। अच्छा मतलब बजट ऐसे नहीं तो मैं क्यों करूं? नहीं बहुत अच्छी बात है सर, सही बात है। कोई मेरे लिए फ्री काम नहीं कर रहा है तो मैं किसी लिए। आपका इशारा हरिहरन सर की तरफ तो नहीं गई? All right. Yeah. Oh, I love you too. Sir, it's such a pleasure. Myself, Kacha Yadav. मैं लंदन से आया है, मैं इधर विजिट कर रहा है। नहीं, बानु प्रिया, शांति प्रिया, इधर देखो। ये है हरिहरन जी, लेस्ली लुईस जी। इंडिया में ऐसा म्यूजिक का दुनिया में इन लोग ने जैसा हाहाकार बचा के रखा है। अभी हाहाकार कैसा बताएगा वो, समझो ऐसा तुम्हारा कार है उसमें तुम हंस रहे हो, हाहाकार। Hey, can you introduce me to that guy over there? Yeah, why not? No. ये इससे मिलने का जरूरत नहीं है, जरूरत से ज्यादा मिलता है, बैठ जाओ यार। ये लोग ना क्या है सर, मैं आपको बताता है। ये मेरे को बोला कि मेरे को इंडिया में घुमाओ, तो मैं बोला आओ मैं तुमको घुमा रहा है, तो मैं इनको इधर लेके आ गया। 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा ऐसा घूमो, राउंड, बस ये घुमा दिया मैं इंडिया में। इतना ही घुमाने का और क्या घुमाने है, और वैसा इतना ही घूमने का। इससे तुम थोड़ा ज्यादा घूमेगा ना तो चक्कर आएगा। और इंडिया में अगर लड़की को चक्कर आता है ना तो 4 लोग बातें करने लगता है, और वो 4 लोग में से 1 लोग ना ये है, ये और तुम सोच रहे होगा कि ये 1 लोग है तो बाकी 3 लोग कौन है? बाकी का 3 लोग भी यही है। वैसा है सर, मैं ना इन लोग को इंडिया में डांसिंग, सिंगिंग, एक्टिंग सब सिखा रहा है। मैं ऐसा मल्टी टैलेंटेड है थोड़ा, तो इसके लिए मैं सब सिखा दिया। मैं इन लोग को डांस का एक स्टेप सिखाया, दिखाएगा आपको प्लीज? ये दिखाओ मैं डांस का स्टेप। म्यूजिक देव थोड़ा सिखाएगा, डांस का स्टेप दिखाएगा। बस बस बस, ऐसा पर किधर चला जाएगा यार ये ऐसा करते करते। ओके एनीवेज, अभी तुम एक काम करो, तुम जाओ घर जाके थोड़ा झाड़ू कटका कर लो और तुम वैसा बर्तन भांडा ऐसा सब कर लो, कुछ साफ सफाई करो, ठीक है? मैं आता है। गो गो गो, तुम लोग जाओ। थैंक यू सर, मैं सच बोल रहा है, आप लोगों को देख के मैं फूले नहीं समा रहा है। तो फूले नहीं तो किधर भी नहीं समा सकता कच्चा। मैं इनसे बात कर रहा है यार, हमको वार्तालाप करने दो ना। वार्तालाप होता है? अच्छा होता तो झगड़ा भी है, मैं अभी अवॉइड कर रहा है। सॉरी वैसे सर मैं आपको बताया, मैं अभी इधर आ रहा था तो ऐसा बारिश हुआ, तो बारिश में मैं आया, पता है क्या हुआ? बारिश में आया तो क्या हुआ? मैं गीला हो गया यार। अभी थोड़ा देर पहले सिद्धू जी भी ऐसा बारिश में आ रहा था, पता है क्या हुआ? वो भी गीले हो गए होंगे और क्या? नहीं यार वो मंत्री आदमी है, छाता लेके आया, क्या बात कर रहा है यार। अच्छा तू आज यहाँ पे क्या करने आया? सर मैं इधर बुर्ज खलीफा देखने के लाया, किधर छुपा के रखा है? बेकार का बात पूछ रहा है सर, इतना महान कलाकार यहाँ पे आया हुआ है और मैं ना आऊँ, ऐसा घटना घटित हो सकता है? घटना घटित है, तुम्हारा म्यूजिक से क्या लेना देना है? एक बात बताओ, भगवान ने तुमको ये टांग दिया है काय के लिए दिया है? चलने के लिए दिया है। हाँ तो चलो ना यार, बीच में अड़ा तक क्यों है? मैं तो सर यहाँ पे खाली म्यूजिक का थोड़ा नॉलेज आपसे लेने के लिए आया था। कैसी नॉलेज? मैं सर खाली जानना चाहता है, सर तबला रहता है वो हमेशा ऐसा जोड़ी में क्यों रहता है? सर अकेला रहने में क्या उसको डर लगता है? नहीं मतलब कि हो सकता है, कभी तबला से पूछ के देखो, शायद उसको अकेलापन अच्छा लगता हो। पॉसिबिलिटी। वो दोनों भाई है ना, तो दो हाथ से बजाना है तो अलग अलग रहे तो ऐसा हो जाएगा आदमी। लेकिन एक और समझ नहीं आता सर, उस पर इतना पाउडर क्यों डालता है? क्या पाउडर डालता रहता है? उसको मेकअप का जरूरत नहीं है, वो लड़का है। लड़का कैसे हो गया तबला? लड़का है तभी तबला है, लड़की होता तो तबली होता ना यार। कम ऑन। अच्छा कभी कोई अच्छी बात भी कर लिया कर तू। हाँ सर मैं अच्छा बात किया है, मैं कल 3 ऑर्गन डोनेट किया सर। कौन से ऑर्गन? ये माउथ ऑर्गन सर, मेरे को बजाना आता नहीं है, मैं डोनेट कर दिया। अच्छा म्यूजिक तेरे समझ में नहीं आएगा, तू रहने दे तू। ना सर मेरे को GST समझ में आ गया है। जिस आदमी को GST समझ में आ गए हैं, म्यूजिक समझ में आ जाएगा, ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है। सर मैं खाली एक और चीज, सर आप लोग शोज करता है सर, मैं देखा है सबसे पहले शो जब शुरू कर रहा है आप लोग सुर छेड़ता है, तो सुर का ऐसा परिवार को बुरा नहीं लगता है कि सबके सामने आप छेड़ देता है सुर को? गुड क्वेश्चन। अरे वो शुरुआत होती है, सुर पकड़ते हैं ऐसे। अच्छा ऐसा पकड़ेगा नहीं तो भाग जाता है। अच्छा तुम्हें म्यूजिक का कुछ नहीं पता, तुम बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। एक बात मैं आपसे जानना चाहेगा, ये जो बात है ये बात आपको किसने बताया कि उसको अदरक का स्वाद नहीं मालूम? बंदर बोला आपको? या फिर हो सकता है पिछले जन्म में शायद आप बंदर था, आपने ट्राई करके देखा अदरक, अच्छा नहीं लगा, ऐसा हुआ कुछ? अरे ये कहावत होती है, ऐसे कहावत से मेरे को याद आया, जैसे सिद्धू जी ऐसा शेर बोलते हैं ना, मेरा गली में एक लड़का मेरे को बोला शेर बोलो, तो मैं कुत्ता बोला। पता है क्यों? क्योंकि अपना गली में कुत्ता भी शेर होता है। Yes, deep, deep. This is like really deep stuff. लेकिन सर मजा आया, इट्स अ प्लेजर सर, आपसे मिला, आपसे मिला मेरा ऑनर है सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी। अंकल मेरे को बचा लो, टॉमी मेरे पीछे लगा है। बेटे कुत्तों के बिस्कुट छीनोगे तो पीछे भागेगा ही। अंकल वो टॉमी नहीं मेरे पापा है। उनका नाम टॉमी है। अरे बेटे पापा को नाम से कौन बुलाता है? वो ना पापा ने कहा था अगर तू फेल हो गई ना तो तू मेरा नाम बदल देना, मैंने पापा से टॉमी कर दिया। मैंने कहा टॉमी बाहर निकल, इतने में भड़क गए, मेरे पीछे लगे हुए। अंकल आप मुझे अपने पीछे छुपा लो। बेटे मैं कितना छुपा लूंगा तुम्हें, ज्यादा से ज्यादा तुम्हें जितना भी छुपा लूं बेटा 60-70% दिख ही जाओगी आप। एक मिनट, कौन कहाँ है? ऐसे चिल्लाने से चूहे बाहर नहीं आते। हेलो, मेरी शक्ल आपको ऐसे लगती कि मैं चूहे पकड़ने वाला हूँ? मैंने लिहाज कर दिया आपका, मुझे तो ये लग रहा था चूहे आपको ना पकड़ ले कहीं। आपसे मैं बात ही नहीं करता, मेरी बेटी पता नहीं कहाँ चलेगी। लल्ली बेटा, लल्ली बेटा। पापा मैं यहाँ पर नहीं हूँ, बैंड्रा में हूँ। बैंड्रा में हो तुम? हाँ पापा। ओहो, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट ले आया। चलो कोई ना, मैं ही खा लेता हूँ फिर। चॉकलेट ला गए हो? पापा रुको, आँख बंद करो, मैं अभी आ जाती हूँ। हाँ बेटा, कर ली कर ली। पापा चॉकलेट। घर चल, तेरे को देता हूँ मैं चॉकलेट। पापा चॉकलेट। अरे बेटा। पापा चॉकलेट। अरे बेटा, मैंने कहा घर चलो देता हूँ चॉकलेट। पापा पापा चॉकलेट। चॉकलेट पापा। छोड़ो बेटा, छोड़ो। झगड़ क्यों रहे आप? किस बात का झगड़ा हो रहा है? बात ये, मैं क्या बताऊं, फेल हो गई ये। ओए, कहाँ से फेल हो गई? स्कूल से फेल होती है और कहाँ से होना है। रिपोर्ट कार्ड आया देखो, मैथ में जीरो लेकर आई है पूरे। बैठ सकती हूँ? अंकल देखिए, मैथ जीरो लाई तो मुझे बदतमीज कह रहा है। वो आर्यभट्ट जीरो लेकर आए तो उनको महान महान कहते थे। हाँ। इंग्लिश में भी फेल होगी, मैंने खुद इसको तैयारी करवाई थी सारी की सारी। हाँ पापा जी, मैंने ऐसे लिखा था, कहते फादर पे ऐसे लिखो। मैंने बोला माय फादर नेम इज टॉमी, ही हैज अ 3 फीट हाइट एंड ही इज स्कैर्ड ऑफ चेंट। मैं आपसे सहमत हूँ। क्या पास होना, मेरी बेटी ने सारी किताबें इसने मिट्टी में फेंक दी है। हाँ तो आपकी वजह से, ये मम्मी को कह रहे थे, कहते पुरानी बातों पे मिट्टी डाल। मैंने हिस्ट्री की किताब उठाई, मिट्टी में दबा दी, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा पुरानी बातें होती है ना। जो बच्चा ड्राइंग में फेल हो गया वो क्या बनेगा? अंकल मैं एक बात बताती हूँ आपको, मेरे को टीचर कहती है अंडा बना, मैंने आम बना दिया। मेरे को बहुत मारा, कहती है तूने आम क्यों बनाया? मैंने कहा देखो टीचर जी, आज मंगलवार है ना, मैं अंडा खाती हूँ, मैं ना बनाती हूँ। अरे बेटा सारी बातें छोड़ो, एक बार बताओ ये पंजाबी में कैसे पास होगी तुम? क्योंकि अंकल जी, जो हमारी पंजाबी वाली टीचर है ना, कड़क एकदम। मैंने सारा पेपर लिखा और मैंने एंड में लिख दिया, टीचर जी तेनू सूट सूट करदा, तेनू सूट सूट करदा, तेनू सूट सूट करदा। शर्म आनी चाहिए। तो पापा जी आपको शर्म आती है? अंकल रात को पता क्या कह रहे थे, कहता बेटा सो जाओ वरना भूत आ जाएगा। मैंने भी सीधा ही कह दिया, मैं कहा पापा जी आपको मम्मी की पप्पी लेनी है, लेके फटाफट सो जाओ, ये भूत का नाटक करके मेरी नींद खराब मत करो। आए बड़े कपिल शर्मा जी, क्या बताऊं, मेरे को समझ लगती क्या बनेगा इसका। कल आपको फ्रेश बांसुरी की जरूरत है। मेरे पापा की छाती पे 4 छेद करती हूँ, इससे बजेंगे ना पापा कि मजा आ जाएगा। मैं अभी के अभी 4-5 छेद करके पापा लेकर आती हूँ। नहीं मुझे छेद नहीं करना। अभी देखना अंकल, आपने मेरे अंदर के कलाकार को जान लिया। वाह। तो पापा मैं आप सबको बता दूं कि यहाँ पे हरिहरन सर के पुत्र अक्षय जी भी यहाँ में मौजूद हैं और ये बहुत ही बढ़िया म्यूजिक कंपोजर हैं। अक्षय आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो थैंक यू कबीर। पर सर संगीत में सबकी इतनी रुचि है ना, बाल कटाने का किसी को टाइम नहीं है ना सर इन सर। अच्छा ईडीएम के बारे में कुछ बताइए अक्षय, क्या है? और डैड, मैं बेसिकली म्यूजिक प्रोड्यूसर हूँ और कंपोजिंग भी करता हूँ, तो मैंने डैड के कोई गाने अलग अंदाज में प्रोड्यूस किया। कॉन्ग्रेचुलेशंस अक्षय, आपने ये गाना, मतलब हम इतने सालों सुन रहे हैं, आपने इसमें एक नई जान डाल दी है। थैंक यू सो मच। तरीके का म्यूजिक डाल के। थैंक यू। यहाँ पे एक रवायत है, हम आपके फैन से आपकी रूबरू बातें करवाते हैं। जी जी। तो आपसे कुछ लोग बातें करना चाहते हैं। जी हेलो कपिल सर। हेलो हरिहरन सर। हेलो लुईस सर। सर मुझे आपसे ये प्रश्न पूछना है कि आपके अंदर जो शास्त्रीय संगीत के साथ जो आप खेलते हैं और उसमें जो वेस्टर्न चीज़ें डालते हैं ना, उसमें एक कूलनेस के साथ साथ एक बॉडी लैंग्वेज और जो चीज़ें आप हरकतें करते हैं ना सर, वो कैसे करते हैं? उसका ट्रिक क्या है सर? हरकतें अच्छी हरकतें लगती हैं ना आपको? जी सर। सर हो ही जाए फिर। याद पिया कि आए राम, याद पिया कि आए राम, ये दुख सहा न जाए है राम, याद पिया कि वैरी को यलिया कूक सुनावे, वैरी को यलिया वैरी को यलिया कूक सुनावे, मुझ बिरहन दा जियरा जलावे, पी बिन रहा न जाए है राम, याद पिया किया ये दुख सहा न जाए है राम, याद पिया कि क्या बात है सर, ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। और है हमारे कोई दोस्त जो हरिहरन सर से, लेस्ली सर से बात कर। जी हाय सर। हाय। तो सर मैं आपको एक जोक सुनाना चाहता हूँ। जी सर, एक आदमी था। किधर गया सर? एक आदमी था, वो 20 साल की जेल काट कर घर आए। वैसे ही घर पहुंचा तो दरवाजा खटखटाया। अच्छा। उसकी बीवी ने दरवाजा खोला तो बोला, अरे अभी तो तुम 5 बज रही है, 12 बजे छूटे तो इतनी देर कहाँ थे? तो वो सर पाछा वापस जेल चला गया। फिर पक्का नहीं आया ना? नहीं सर, हो सकता है बाद में आ ही गया हो, आपको पता ना। फिर तो सर पता नहीं है। ये भाई साहब यार बड़े मजेदार, बड़ा हंस रहे थे, मैंने भी देखा इनको। क्या कहाँ से ब्रदर आप? यूपी से। यूपी में कहाँ से? सर अयोध्या। अरे वाह क्या बात है। क्या करते हो ब्रदर आप मुंबई में? सर अभी तो सर जॉब कर रहा हूँ वैसे, बट सर शौक एक्टिंग का है सर। शौक एक्टिंग का है? एक्टिंग का। अच्छा कोई डायलॉग सुनो। हाँ सर, अभी मैं ऑडिशन देने गया था एक जगह। हाँ जी तो सर ऑडिशन देने गया था एक जगह। कहाँ गया था? ओरिजिनल गया था एक जगह सर। ऑडिशन? ऑडिशन यस सर, ऑडिशन। तो मैं सर वहाँ पे सबसे पहले गया सर, फिर मैंने सर शाहरुख खान सर का बोला, सर ए भगवान ए, तूने मेरे माँ को ऊपर बुला लिया, ए भगवान तूने गलत किया, बहुत गलत किया भगवान। कौन है? अरे बाबूजी ने कहा। ये मेरे को पूछ रहे हैं कौन है? बाबूजी ने कहा घर छोड़ दो, माँ माँ ने कहा पारो को छोड़ दो, तुम मैं तुम्हें कहता हूँ माइक छोड़ दो, तुम कहती हो। अरे यार पर बड़े प्यारे यार आप, शुक्रिया जी। और कोई? जी 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 सर। कपिल जी जय माता दी। जय माता दी जी, कैसे आप? कपिल जी बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, आप कैसे? कपिल जी मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। लव यू सर, थैंक यू सो मच। मैं एक 4 लाइनें आपके लिए सुनाऊंगा कि जिंदगी में बार बार ये मुकाम आए, कभी आप हमारे तो हम आपके काम आए। इतना प्यारा शो है आपका कपिल जी, एक ही दुआ करते हैं खुदा से कि ये शो जिस चैनल पर आए बार बार आए, बार बार आए, लगातार आए। क्या बात है सर। सर आप मंच पे आइए सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जफ्फी पाइए जी सर, कैसे हैं आप? लव यू टू सर। मैं आपके शो जब पहले आते थे जी, मैं जिंदगी के एक बहुत कठिन फेज से निकल रहा था। कपिल जी मैं आपके शोज 2 बजे 3 बजे जैसे टेलीकास्ट होते थे, रीटेलीकास्ट मैं देखता रहता था और मेरा बुरा वक्त निकल गया हंसते हंसते। मैं इतनी दुआ देता हूँ आपको, इतनी दुआ देता हूँ Today I am in a very comfortable position. लेकिन वो वक्त आपके शोज ने मुझे हंसते हंसते मेरे जीवन को I love you, I love you. Thank you. आप ऐसे खुश रहे सर? एक माहौल संगीत का बना हुआ है. जी, जी. मैं कुछ अपने अंदाज में कुछ हंसाने की कोशिश करूँगा. जी जी प्लीज सर. झुमरी तलैया में लड़के की शादी हो जाती है तो शादी के तुरंत बाद लड़की जो है बड़ी लकी पड़ती है उसको. उसकी बॉम्बे में नौकरी लग जाती है. बॉम्बे में जैसे लड़के की नौकरी लगती है पहली तनख्वाह मिलती है पहले महीने की. अच्छा. तो वो उसके शादी के लिए जो दुल्हन हाथ में पौंची पहनती है दुल्हन का जो है गहना होता है पौंची वो पौंची खरीदता है और वो पौंची पार्सल से भेजता है और उसके साथ एक खत लिखता है. अब वो खत में क्या लिखता है मैं आपको सुनाता हूँ कि हमने जो पहुंची पहुंचाई थी वो पहुंची पहुंची के नहीं पहुंची. यदि वो पहुंची पहुंची तो लिख भेजो के पहुंची पहुंची. अब वो लड़की जवाब देती है जी कि आपने जो पहुंची पहुंचाई थी वो पहुंची पहुंची लेकिन जब मैं नहाने पहुंची वो पहुंची यहाँ पहुंची. खुदा जाने वो पहुंची यहाँ पहुंची के वहां पहुंची. बहुत बढ़िया था. स्टीफन आप सबके लिए एक स्पेशल परफॉर्मेंस देना चाहते हैं तो स्टीफन कैन वी हैव दैट स्पेशल परफॉर्मेंस. Kamala, Stephen, Kamala, wonderful. You're a genius. Superb. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.